हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि इजी वे। कैसे हैं आप सब? तो आज की रेसिपी होने वाली है जन्माष्टमी स्पेशल, वो भी सिर्फ दो इंग्रेडिएंट के साथ, और 10 मिनट से भी कम टाइम में हम ये रेसिपी रेडी करेंगे। बहुत ही इंस्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिए, होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ एक बोल में मैंने एक कप पनीर, ये ग्रेट किया हुआ पनीर है जो एक कप है। आप क्वांटिटी आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेक श्योर जो पनीर आप यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, रखा हुआ पनीर ना हो। अब लेंगे एक पैन और उसमें डाल देंगे ये पनीर, और इसे थोड़ी देर तक लो फ्लेम पर हमें इस तरीके से मिक्स करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें मिक्स करना है, अदरवाइज पनीर ब्राउन होने लगेगा। तो एक मिनट से भी कम पनीर को हम थोड़ा सा भूनेंगे, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 से 2.5 चम्मच पाउडर शुगर। आपको मीठा कम ज़्यादा कैसा करना है वो आपके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट एक कप पनीर के लिए इतना मीठा सफिशिएंट है। और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप नोटिस करेंगे जैसे ही शुगर मिक्स होगी तो ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी। और इस तरीके से जैसे मैं स्पैचुला से कर रही हूँ, इसी तरीके से हमें इसे दबाते हुए मिक्स करना है। इसमें पाउडर शुगर ऐड करिए, क्योंकि ये इंस्टेंट रेसिपी है तो पाउडर शुगर के साथ ये बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगर आप शुगर वैसा यूज़ करेंगे तो टाइम लगेगा। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2.5 चम्मच मिल्क पाउडर। शुगर इसलिए भी कम डाला है क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, तो उससे भी थोड़ी सी मिठास आ जाएगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे थोड़ी सी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी मिल्क पाउडर डालने से, और थोड़ा थोड़ा मावा वाला टेस्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1/4 स्पून घी, 1/4 टेबल स्पून घी। इससे जो हमारा कलाकंद है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप बिगिनर भी हैं और आपके यहाँ कोई गेस्ट भी आने वाले हैं तो इस रेसिपी को आप झटपट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं घी ऐड करने के बाद इसमें बहुत ही अच्छा शाइन आ गया है, और ये पैन को बिल्कुल छोड़ना शुरू कर देगा और आपके स्पैचुला में भी नहीं चिपकेगा। लास्ट में इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। आपको अगर ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छे लगें तो आप ड्राई फ्रूट्स, आपके फेवरेट जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो आप इसे जन्माष्टमी पर बना सकते हैं, कभी कुछ मीठा खाने का मन करे, क्विक रेसिपी है तो आप इसे बना सकते हैं। और तुरंत इसे एक बॉक्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप किसी थाली या प्लेट में भी इसे सेट कर सकते हैं और इस तरीके से इवन कर देंगे। आप देख सकते हैं ये स्पैचुला में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, ये बहुत अच्छे से डन हो गया है, बहुत अच्छे से सेट हो गया है। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और आपका जो भी फीडबैक हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम भी कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी और इंस्टेंट। ऊपर से इसमें डाल दूंगी मैं पिस्ता कट किए हुए, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं आप वो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिससे ये जब हम कट करेंगे इसके पीसेस तो ये निकले नहीं। तो अब हम रखेंगे इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो 10 मिनट बाद ये सेट हो चुका है। ऊपर से इसमें मैं डाल दूंगी ड्राई रोज पेटल्स, जिसे ये देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल लगेगा। और इसे भी इस तरीके से प्रेस कर देंगे। तो 10 मिनट बाद ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से मैं इसमें कट्स लगा लूँगी,
आपको जिस भी शेप में कट करने हैं, बिग स्मॉल आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मिनटों में बनने वाला, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट के साथ ये कलाकंद रेडी हो गया है। मेक श्योर जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं बिल्कुल फ्रेश पनीर का यूज़ करें, रखा हुआ पनीर का यूज़ ना करें। तो आप देख सकते हैं ये हो गया है कलाकंद रेडी। वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और आप फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं और आपको और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखनी है या वीडियोज़ देखने हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। तो ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।